हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं, सुस्वागतम। तो आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय। आज विषय का नाम है महाराज परीक्षित द्वारा कलिजुग का आदर और सत्कार। मतलब कली, जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत से चले गए तब कली का आगमन हुआ। तो महाराज परीक्षित इस तरह का शासक था, इस तरह के सम्राट राजा थे कि वो कली को कैसे इनवाइट किया अपने राज्य में या कैसे उसको सत्कार किया, इस विषय में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जो पूर्वाभास है उसको वर्णना करेंगे। तो शौनक आदि ऋषियों को शुद्ध गोस्वामी धेनुमती नदी के तट पर नैमिषारण्य में पूरा श्रीमद् भागवतम की सब घटनाएं किस तरह हुआ है सब कुछ सुना रहे। तो शुद्ध गोस्वामी बोले कि परीक्षित महाराज अपने ज्येष्ठ द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों से आदेश लेकर अनुसरण करके अपने राज्य का शासन करते थे। कि आजकल का जो राजा है वर्तमान संसार में जो दिखने को मिल रहा है वर्तमान, वो किसी से गाइडेंस नहीं लेता, न शास्त्र से ना कोई अच्छे ब्राह्मण से, जिसके कारण समाज में बहुत प्रॉब्लम होता है, देश को सुंदर ढंग से वो संचालन नहीं कर पाता। क्योंकि जो नियम है वो नियम को तोड़ के अपना मनगढ़ंत एक नियम बना लेता है, जिसके कारण समस्या होती है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज क्या करते थे, वो श्रेष्ठ दिश्रेष्ठ ब्राह्मणों से उपदेश लेके अपने राज्य को कैसे संचालन करना है ऐसे करके वो शासन करता। जो महाराज परीक्षित की भविष्यवाणी बचपन में ही उनके जन्म के समय किया गया था कि ये किस तरह का राजा बनेगा, इसका किस तरह का क्वालिटी होगा, दान दानी में किस तरह सीढ़ी की तरह होगा, आपका धर्मपुराण में महाराज जजाति की तरह होगा, अपने वचन को पालन करने के लिए दशरथ पुत्र भगवान रामचंद्र की तरह होगा, इस तरह करके जो जितने सारे भविष्यवाणी की गई थी बचपन में परीक्षित महाराज के जन्म के समय, वो सब कुछ उनके जीवन के साथ मिल खा रहे। अभी वही परीक्षित महाराज संसार को सुंदर ढंग से सुचारू रूप से शासन कर रहे हैं, राज्य को कृष्ण भावना में के द्वारा शासन कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और परीक्षित महाराज का पहला पुत्र हुआ, ज्येष्ठ पुत्र हुआ जनमंजय, और उसी के साथ साथ और भी चार पुत्र हुआ। महाराज परीक्षित का पुत्र हुआ जनमंजय और उनके साथ साथ और भी चार पुत्र हुए। तो महाराज परीक्षित कृपाचार्य को गुरु बनाए थे, जो कृपाचार्य वही कृपाचार्य जो पहले था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो महाराज परीक्षित कृपाचार्य को गुरु बनाए थे और कृपाचार्य के कहे अनुसार आदेश अनुसार वो गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किया ताकि सामान्य जनता देवताओं को देख सके। क्योंकि यज्ञ करने से देवता, पहले के युग में देवता प्रकट होते थे, इस भारतवर्ष में देवता लोग आते थे उड़ के, अभी कलियुग का प्रभाव के कारण देवता लोग धरती में आना बंद कर दिया, पहले काल में आते थे। यहाँ तक कि परीक्षित जब यज्ञ किया अश्वमेध यज्ञ, 3 अश्वमेध यज्ञ किया गंगा के तट पर कृपाचार्य के आदेश अनुसार, तो उस समय देवता लोग आए थे कि सामान्य जनता देवताओं को देख सके। तो इस तरह एक बार की बात है कि महाराज परीक्षित विश्व विजय करने के लिए निकले और उन्होंने देखा कि कली जो है एक राजा का बेस बनाकर गाय और बैल के पैरों को मार रहा है, डंडा से या तलवार से काटने, मतलब उसको मारने की, मार देंगे अभी, इस तरह शासन कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज को बहुत क्रोध आया, तो महाराज तब परीक्षित महाराज उसे दंड देने का उचित समझा,
कि इसे अभी दंड देंगे। तो महाराज परीक्षित को पता था कि महाराज को जब कली का प्रभाव अपने राज्य में देखने को मिला, तब वो धनुष बाण लेकर सभी सेना को एकत्र करके वो पृथ्वी के समस्त भागों जैसे भद्रास, केतुमाल, भारत, कुरुजांगल या उत्तरी विभाग किम पुरुष को जीत लिया। महाराज परीक्षित ने सोचा कि अभी तो सिर्फ घर बैठने अभी तो घर में बैठने का समय नहीं है, क्योंकि कली का प्रभाव मेरे राज्य में हो गया, इसका मतलब क्या है, पूरे संसार में कली का राज्य हो गया। तो अगर हम अपने राज्य को ही देखेंगे, कली को ये करेंगे, तो दूसरा राजा जो है वो लोग तो ये धार्मिक परायण नहीं भी हो सकता है, कहने का अर्थ है वो गलत आचरण कली जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इसीलिए महाराज परीक्षित ने क्या किया, पहले समस्त राजाओं को पराजित किया, और समस्त राजाओं को जीतने के बाद वो परीक्षित महाराज पूरे विश्व का एक सम्राट होगा, और वो अभी जो शासन लागू करेगा सारा संसार उसको फॉलो करेगा। कहने का अर्थ है, मान लीजिए परीक्षित महाराज के राज्य में कली घुस गया, कली को ये किया, और परीक्षित महाराज बाहर प्रचार के लिए नहीं गया, जैसे प्रभुपाद गए थे विदेश में अमेरिका, तो परीक्षित महाराज अगर बाहर नहीं जाते दूसरे राज्य को शासन करने, तो परीक्षित महाराज के कारण हो सकता कली डर के भाग जाते, लेकिन दूसरे जगह में जाकर वो अपना ढाक जमा लेते, कली का अपना प्रभाव दिखा। इसीलिए परीक्षित महाराज क्या किया, पहले विभिन्न दूसरे देशों में गया, और वहां पर जाके जो राजा थे उन सबको परास्त किया और एक छत्र सम्राट बना। और अभी अगर कली अगर देश में पृथ्वी लोक में अगर प्रवेश करेगा तो परीक्षित महाराज उस पर शासन लागू करेगा, ये लाइक दैट। तो महाराज जहां भी जाते, परीक्षित महाराज जहां भी जाते उनको उनके पूर्वजों का, मतलब अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव या उससे भी आपका पांडु, एटलीस्ट भगवान श्री कृष्ण की महिमा कि कृष्ण कैसे पांडवों की रक्षा की, कैसे यहाँ तक कि परीक्षित महाराज तक की रक्षा की भगवान श्री कृष्ण ने, तो जहाँ भी जाते जिस देश में जाते उस गांव के लोग, उस देश के लोग, उस राज्य के लोग ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव का चर्चा करते थे, तब परीक्षित महाराज को परम संतोष, परम आनंद हो जाते थे वो। और उस समय जब ये आनंद के साथ वो क्या करते थे, किसी को अलंकार, स्वर्ण, रत्न, वस्त्र दान में दे देते थे, मतलब आनंद के कारण। तो एक दिन की बात है कि परीक्षित महाराज अभी जो पूरा पृथ्वी भ्रमण कर रहे हैं, पृथ्वी जो चक्कर लगा रहे कली को जीतने के लिए, तो एक दिन की बात है महाराज परीक्षित के ऐसे जगह में आएंगे जिस जगह में बैल और गाय, बैल का अर्थ होता है धर्म का स्वरूप और गाय का अर्थ है माता धरती, धरती माँ का स्वरूप, तो दोनों दो रूप धारण किए हैं। धर्म जो है, धर्म बैल के रूप में रूप धारण किया और धरती माँ, पृथ्वी माँ गाय के रूप में, तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। और उसी जगह में परीक्षित महाराज आएगा, अभी देर है, तो वो लोगों का, वो दोनों का जो कॉन्वर्सेशन है वो यहाँ पर ये श्रीमद् भागवतम के इस प्रथम स्कंद के 16 अध्याय में वर्णित किया गया है कि बैल मतलब धर्म, धर्म ने शोकग्रस्त अवस्था में गाय को पूछा, गाय मतलब धरती माँ को पूछा कि हे धरती माता, आप स्वस्थ तथा प्रसन्न दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आपके चेहरे में एक चिंताग्रस्त, एक शोकग्रस्त अवस्था, मतलब आप पता नहीं किसी चिंता में डूबे हुए, शोकग्रस्त में अभिभूत है, क्या बात है कि कुछ बताइए। तो बैल, वो जो धर्म, बैल का रूप धारण किए और पृथ्वी माँ गाय का रूप धारण किए, तो बैल गाय को पूछ रही, धर्म धरती माँ को कुछ प्रश्न कर रहा है। तो प्रश्न करने से पहले वो अपने आइडिया लगा रहा है कि क्या कुछ संभावना हो सकता है, गाय का इतना दुख के पीछे, धरती माँ का इतना दुख कष्ट अनुभूति, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, इस संबंध में वो कुछ आइडिया लगा रहा है। तो उसमें वो पॉइंट आउट कर रहा है कि हे धरती माँ, हे महोदया, क्या आपको कोई रोग हुआ है, या मेरा तीन पाँव कटे हैं,
एक पांव के सहारे चल रहा हूँ, जिसके कारण ये सब देख के आपको चिंता हो रहा है। एक्चुअली धर्म धर्म जो है कलि युग में सत्य त्रेता दापर और कली, सत्य युग में धर्म का चार पांव एक साथ, सत्य सोच क्षमा दया। एक धार्मिक व्यक्ति का, एक अच्छे इंसान का, एक शुद्ध भक्त का चार क्वालिटी विद्यमान होता है। वो क्या? सत्य, वो सत्य बोल सत्य बोलेगा, सोच प्योरिटी शुद्धता रहेगा, क्षमा वो दूसरों को क्षमा करने का गुण रहेगा, और दया और दूसरों पर कृपा करेगा। सत्य सोच क्षमा दया, जैसे सत्य युग खत्म हो गया, त्रेता आया तो उसमें एक गुण हास हो गया, फिर तीन गुण रहा। सत्य खत्म हो गया, अभी सोच क्षमा दया तीन रहा त्रेता में। जब दापर आया तो सत्य और सोच, ये दो चीज चला गया, दो चीज रहा, क्या? क्षमा और दया। जब कली आया तो कली में अभी एक चीज रहा, नहीं ये इसमें चार में से ऐसा नहीं कि कर्मागत नहीं है, ये किस युग में कौन कौन सा गुण हास हुआ। अल्टीमेटली कलि युग में एकमात्र सत्य पर टिका हुआ है ये संसार, सत्य सोच क्षमा दया। कलि युग में न दया है किसी के प्रति, न क्षमा है किसी के प्रति, न सोच है, न शुद्धता है। विदेशों में 10 दिन 15 दिन एक महीना के बाद स्नान करते हैं, ये सब देखिए देखने को मिलता है। तो शुद्धता कहाँ है? तो सत्य सोच क्षमा दया एकमात्र सत्य है इस कलि युग में। अदरवाइज धर्म का जो चार स्तंभ है, चार पैर, एक बेल का, बेल मतलब धर्म, उसका चार पैर है, तो उनमें से तीन पैर कट गया है, एक बचा हुआ है, वो क्या? सत्य। तो गाय को बोल रही है कि क्या आप, मेरा एक पांव कटा हुआ है इसीलिए ये देखकर आपको दुख हो रहा है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। या कलि युग का प्रभाव आ गया है, लोग मांस भक्षण कर रहे हैं और पता नहीं वो आपको भी काट देंगे, आपको भी कसाई खाना में जाना पड़ेगा, आपको भी वो लोग मार के खाएंगे, क्योंकि गाय गोहत्या होगा कलि युग में। क्या ये सब चीज़ के लिए आप दुखी है? या दुर्भिक्ष, सूखा, अकाल, सूखा ना पानी नहीं बरसेगा समय पर, यथा समय में वर्षा नहीं होगा, अकाल पड़ जाएगा, भूकंप होगा, सुनामी होगा, जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ को देखकर आप दुखी है। या स्त्री बच्चे जो कैसे गैर जिम्मेदार पुरुष के हाथ में लग जाएंगे, जो खुद लूटे रहा है, या बच्चे और स्त्री को टेक केयर नहीं करता सुंदर रूप से, या ज्ञान की देवी विद्या जो ज्ञान है वो किसी अधर्म रत ब्राह्मण के हाथ लग जाएगा, क्योंकि अधर्म में लगा हुआ ब्राह्मण, ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण है लेकिन क्वालिटी नहीं है, या कोई ऐसे ब्राह्मण के हाथ में लग जाएगा देवी, या तथाकथित प्रजातंत्र जो प्रशासक राजा है जो आश्रितों को ठीक से टेक केयर नहीं करेगा, बल्कि उनको अवहेलना करेंगे, उनको नेग्लेक्ट किया जाएगा, उसको दुख देंगे, प्रताड़ना करेंगे, चीटिंग करेंगे, तो या ये सब चीज़ देख के आपको दुख लग रहा है। या प्रजातंत्र, राजतंत्र मतलब क्या है? किसी एक अच्छे ब्राह्मण के निर्देश अनुसार राजा देश को, राज्य को शासन करता है। तो या ऐसा होगा कि भविष्य में कलि युग में कि राजा अपने मनमानी करेंगे और प्रजातंत्र या राजतंत्र या जो राज्य का जो शासन उसका नियम को ही तहस नहस कर देंगे पूरी तरह से। हे माता, या भगवान श्री कृष्ण आपके पाप को, मतलब इस धरती में जितना सारा मनुष्य लोग पाप करते हैं वो पाप को हल्का करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो युग युग में अवतरित होते हैं। तो आपके पाप को हल्का करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे, आपके पाप को हल्का किया, या भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि वो तो इस जगत को छोड़कर चला गया, हाँ, या उनकी अनुपस्थिति के कारण आपको दुख हो रहा है, मुझे थोड़ा कृपा करके बताएं। हे माता, कृपा बताएं कि क्या बात है, इस संबंध में कुछ भी आइडिया, मुझे चिंता हो रहा है आपकी दुख,
आपकी अश्रु धारा को देखकर। कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण आप इतना दुखी है? इस दुखी अवस्था से मुझे आप थोड़ा बताइए। तब धरती माँ, मतलब वो गाय, बैल धर्म इतना देर तक गाय धरती माँ से प्रश्न कर रहे थे। अभी गाय वो धरती माँ बैल को धर्मराज को, धर्म का प्रतीक को, धर्मराज नहीं, धर्मराज तो यमराज होता है, धर्म को अभी उत्तर दे रहे गाय। क्या उत्तर दे रहे कि मनुष्य की जो दिव्य गुणावली है, अनेकों दिव्य गुणावली होता है, स्वच्छता, इंद्रिय संयम, पवित्रता, क्षमा करना, दया दिखाना, लोगों पर सुंदर ढंग से व्यवहार करना, मृदु भाषी होना, कड़वा वचन न बोलना, असत्य न बोलना, दूसरों पर दया करना, परोपकार करना, ये जितना सारा जो अच्छा अच्छा क्वालिटी है, अच्छा अच्छा गुण है जो कि मानव को असुर से पृथक करता है। एक मनुष्य को, सुंदर व्यक्ति को एक असुर से पृथक करता है जिसके पास ये गुण है। तो जब हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये सब भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण सारे संसार में बुरे गुणों का प्रचार प्रसार हो रहा है, जब तक भगवान श्री कृष्ण इस जगत में थे तब तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस जगत को छोड़ दिए, ये जितना सारा बुरा गुण आने लगा, दूसरों को लूटना, चीटिंग करना, दूसरों को मारना, हिंसा करना, हत्या करना, इस तरह अभी बोलबाला हो संसार में। पता नहीं मैं इस चीज़ के लिए दुखी हूँ कि इसीलिए मैं दुखी कि हे धर्म, और आपका भी पांव एक पांव से आप है, देखिए चार पांव होना चाहिए एक बैल को, तब तक वो सुंदर रूप से चल सकता है, फिर सकता है। तो आप धर्म है और धर्म का चार स्तंभ है, सत्य, सोच, क्षमा और दया, लेकिन अभी एकमात्र आपके पास एक ही पांव है, एक ही स्तंभ है, वो है सत्य। न क्षमा है, न दया है, न स्वच्छता है, सोच पवित्रता है। तो ये इतना सारा अधार्मिक लोग, अभी इस पापी लोग इस संसार में पता नहीं कितना दिन क्या क्या कुछ करेगा। मैं इसी भविष्य वाणी को और ऐसे ही चीज को सोचकर मैं बहुत शोकग्रस्त और बहुत वेदनादायक, बहुत दुखी हूँ कि जब तक श्री कृष्ण थे कोई चिंता नहीं था, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस जगत को छोड़ दिए समस्त बुरा गुण आ गया। और मुझे दुख इस, और अल्टीमेटली मेरा दुख इस बात का है कि कृष्ण की यह विरह वेदना मुझे बहुत दुख दे रही है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, धर्म की धर्म को स्थापना करने आते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर अधर्म स्थापना हो जाते हैं ऑटोमेटिक, और अधर्म के कारण बहुत सारा पाप कृत्य हो जाता है। पता नहीं ये इसी दुख, इसी चिंता के कारण मुझे बहुत दुख लग रहा है। तो धरती माता, ये गाय, ये सब बैल को सब सुना रहे हैं, और यही सुनाते सुनाते जो परीक्षित महाराज जो विश्व विजय करने के लिए निकले हैं, जब पृथ्वी धर्म बातें कर रहे थे आपस में, पृथ्वी धर्म और मतलब गाय और बैल, धर्म पृथ्वी और धर्म, ये दोनों जब आपस में बात कर रहे थे तो उसी जगह पर सरस्वती नदी के तट पर महाराज परीक्षित पहुंचे। अभी आगे क्या होगा ये हम कल बताएंगे, ये कल के चैप्टर, कल के अध्याय। आज का परीक्षित महाराज अभी धर्म और पृथ्वी माँ, ये दोनों का आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है कलि युग को लेकर, कि कलि युग में लोग कैसे क्या करेंगे, कैसे ये करेंगे, कितना पाप होगा, इससे संबंध में जो बातचीत करे। तो महाराज परीक्षित उस जगह में पहुंचे। अभी महाराज परीक्षित और उन तीनों का क्या होगा वो हम आप लोगों को कल बताएंगे नेक्स्ट डे। तो तब तक के लिए हमें विदाई दीजिए। हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि क्लास को, इस कथा को
तल्लीनता के साथ सुंदर ढंग से श्रवण कीजिए। और ये सब श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। आप लोगों के पास अगर श्रीमद् भागवतम का पुस्तक हो तो भागवतम का प्रथम स्कंद का 16 अध्याय, इस तरह रोज एक एक चैप्टर हम अध्ययन कर रहे हैं, आप सबको सुना रहे हैं, तो आप लोग अपने घर में भी बैठकर इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। और किसी भी तरह का कुछ प्रश्न, कुछ टिप्पणी, कुछ कमेंट अगर हो तो आप लोग मुझे या तो SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।